नू हिंसा का आरोपी मोनू मानेसर पुलिस की गिरफ्त में है। 7 महीने की लुका छिपी के बाद हरियाणा पुलिस ने आखिरकार मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोनू से पूछताछ के बाद हरियाणा पुलिस उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर देगी। वहां भरतपुर पुलिस मोनू से जुनैद हत्याकांड से जुड़े सवाल जवाब करेगी। बता दें कि नू हिंसा में मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी आरोपी थे, लेकिन मोनू की गिरफ्तारी नासिर और जुनैद हत्याकांड में की गई है। मोनू पर इन दोनों युवकों की हत्या का आरोप है। इस मामले को लेकर भरतपुर पुलिस को मोनू की तलाश थी। गौरतलब है कि 31 जुलाई को सावन के महीने में शोभा यात्रा के दौरान हरियाणा के मेवात नूह में हिंसा हुई थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। राज्य सरकार ने इस मामले में 142 FIR दर्ज की थी, साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हिंसा में बिट्टू बजरंगी का नाम भी सामने आया था। हालांकि बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मोनू फरार चल रहा था। हरियाणा की ADG लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह के मुताबिक 28 अगस्त को मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शोभा यात्रा में आने के लिए कहा गया था। जांच में इस पोस्ट को भड़काऊ पाया गया तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए। मोनू मानेसर पर नू हिंसा के अलावा नासिर जुनैद की हत्या और हरियाणा के पटौदी में दंगे और हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज है। अब देखना है उस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने IT एक्ट की जमानती धाराओं में हिरासत में लिया है। इन धाराओं में आसानी से जमानत मिल जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये मोनू मानेसर है कौन। मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव गुरुग्राम के पास मानेसर गांव का रहने वाला है। बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता है और बजरंग दल की गौ संरक्षण टास्क फोर्स का प्रमुख है। ये जानकारी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दे रखी है। इसी अकाउंट पर वो गौ रक्षा से जुड़े तमाम वीडियो पोस्ट करता है। जुनैद और उसके चचेरे भाई नासिर पर गौ तस्करी का आरोप था। 16 फरवरी को राजस्थान के भिवानी में दोनों के जले हुए शव बोलेरो कार में मिले थे। भरतपुर पुलिस ने इस मामले में मोनू मानेसर और 21 अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया था। भरतपुर में मोनू के खिलाफ नासिर और जुनैद की हत्या की धाराओं में केस दर्ज है। वो इनकी हत्या का मुख्य साजिश करता है। इस हत्याकांड के बाद से ही मोनू मानेसर फरार चल रहा था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9।